के अपने प्यारे चैनल एसके कैरियर पॉइंट पे। साथियों, जैसा आपको सबको पता है, सारे अपडेट नर्सिंग से रिगार्डिंग आप सबके लिए बताई जाती हैं। उसी प्रकार से एनएचएम के द्वारा यहाँ पे एक और रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी कैंडिडेटों को फिर से बधाई, और जो इसकी लिस्ट निकाली गई थी पहले भी आपको जो है बताया गया था, और उसी की जो लिस्ट अभी एनएचएम के द्वारा जो है एक और जो फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिले हैं। यहाँ पे रोल नंबर वाइज आप अपना नाम देख सकते हैं, कैटेगरी देखेंगे, उसके बाद में आप अपनी जो है नंबर्स देखेंगे, कितने नंबर हैं आपके, उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन जो है आपका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें, सबसे पहले मैं आपको जो है ऑफिशियल जो लेटर दिखा देता हूँ एक बार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट की लिस्ट है, और ये जो लिस्ट के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे टोटल कैंडिडेटों को 492 कैंडिडेटों को लिया गया है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लिस्ट निकाली गई है एनएचएम के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो है रिमेनिंग सीट निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो टोटल कैंडिडेट मिलेंगे आपको 492 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, और रिमेनिंग लिस्ट है किसकी, ये सीएचओ की लिस्ट है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, और ये है दोस्तों एमपीसीएचओ की। ठीक है, कहाँ की है, एमपीसीएचओ की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स बेसब्री से पूछ रहे थे, इंतजार था उन्हें बेसब्री से कि जो रिमेनिंग लिस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, जो एमपीसीएचओ वाले हैं उनकी जो रिमेनिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी सर। तो आज उनके लिए जो है खुशखबरी है, सभी को बधाई है। आप अपना रोल नंबर वाइज नाम देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर के वाइज दिए हुए हैं, रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नाम है, फादर्स नेम है, कैटेगरी है, और टोटल मार्क्स जितने भी उन्होंने जो है एग्ज़ाम में लाए गए थे, और उसी हिसाब से उनकी रैंक है, और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपना नाम देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो है इन्फॉर्मेशन पा के काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिगार्डिंग या फिर एनएचएम की कोई भी अपडेट जो भी आती है उसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको बताते हैं। उसी तरीके से आगे भी बताते रहेंगे, नर्सिंग की कोई भी अपडेट होगी एएनएम जीएनएम के बारे में, एएनएम के बारे में भी हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, जो भी अपडेट आएगी वो जल्दी से जल्दी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी जो है काफ़ी कैंडिडेट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर जो है रिजल्ट UP SSC ANM का क्यों नहीं आया, तो देखिए उसके बारे में भी हम आपको बताया था कि जो वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी वही आपको बताई जाएगी, ऐसे नहीं बताया जाएगा जिस तरीके से और लोग बता रहे हैं। देखिए रिजल्ट की अभी कोई अपडेट फिक्स नहीं है, उसके बारे में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी वो जल्दी ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी कोई नहीं है, तो अभी के लिए इतनी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये जो लिस्ट है ये MPCHO की है, रिमेनिंग कैंडिडेट हैं वो अपना नाम देख सकते हैं इसमें, और कोई भी क्वेरी कन्फ्यूज़न है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप सबके लिए जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट कोई भी अपडेट होगी वो जल्दी से जल्दी आपको बताई जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।